दलित महिला से रेप, जिंदा जलाने के लिए एसिड डाल लगा दी आग, जोधपुर में इलाज के दौरान मौत। राजस्थान के बाड़मेर में एक दलित महिला से रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। महिला के साथ पड़ोसी युवक ने पहले रेप किया और फिर जिंदा जलाने की कोशिश की। महिला पर एसिड डालकर जान से मारना चाहा, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात पचपदरा थाना क्षेत्र बागुड़ी गांव में एक ढाड़ी की है। दलित महिला के साथ बलात्कार के बाद आरोपी ने एसिड डालकर जलाकर मौत के घाट उतारने की कोशिश की। एसिड हमले के बाद उसे गंभीर अवस्था में बालातोरा के निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जहां उसे गंभीर अवस्था में जोधपुर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान जोधपुर के MGH हॉस्पिटल में देर रात पीड़िता की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद आक्रोश, रेप का आरोपी पड़ोसी शकूर खान गिरफ्तार। बाड़मेर पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट के बाद एक्शन लिया है। SC/ST एक्ट और IPS की धारा 376 सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। रेप का आरोपी युवक शकूर खान भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दलित महिला के साथ बलात्कार के बाद आग की इस घटना से पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है। पहले रेप, फिर एसिड डालकर लगा दी आग। पीड़िता के परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए आरोपी की हैवानियत का जिक्र किया है। परिजनों के अनुसार पीड़िता को घर पर अकेली देखकर आरोपी घर पर आया, उसने जबरन रेप किया। इसके बाद पकड़े जाने के डर से महिला की आवाज बंद करने के लिए थिनर डालकर आग लगा दी। पीड़िता इलाज के दौरान जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही। आखिरकार जोधपुर में इलाज के दौरान शुक्रवार रात को पीड़िता ने दम तोड़ दिया।